नमस्कार, आप देख रहे हो 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम अब आप सभी के सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है। ये वापसी ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 37 साल बाद एक ही सरकार दोबारा से सत्ता में आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। आज 25 मार्च है और आज ही के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जहां एक तरफ जीत का जश्न है, भव्य आयोजन है, शपथ ग्रहण समारोह का इतना बड़ा आयोजन है, कार्यक्रम है, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और JP नड्डा भी शामिल होंगे। ऐसे में तस्वीरें जो हैं बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ की खुशी के साथ साथ एक चीज़ और कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर दोबारा से भरोसा किया है। ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं। चुनौतियां हैं बेरोजगारी, चुनौतियां हैं महंगाई, चुनौतियां हैं आवारा छुट्टा पशु और चुनौतियां हैं किसानों की गंभीर समस्याएं, जिसको लेकर किसान हमेशा से ही और एक बार फिर से आस लगाए हुए हैं कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के लिए कुछ ऐसा करेगी, कुछ ऐसा मौका दिया है जो उनकी समस्याओं का निवारण करेगा। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हमें फिर से देखने को मिलेगा। 5 साल किस तरह का समीकरण बैठता है और इन सभी के बीच आपको बताते हैं कि 2024 की तैयारी भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हवा जिस किसी के पक्ष में बहना शुरू होती है, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उसके नाम की सुनामी में बदल जाती है और ये नाम की सुनामी, ये सुनामी किसके पक्ष में बहेगी, किस तरह से बहेगी, दिल्ली के तख्त पर कैसे पहुंचेगी, ये सब आप 2024 की जो समीकरण है, 2024 की जो तैयारियाँ 2022 से शुरू हो गई हैं, ये सब आप देखेंगे। लेकिन उन सब के बीच हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी बातें कही और कई सारी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं, ये हम आपको सुना देते हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर करा दिया जाएगा, देरी होने की स्थिति में चीनी मिल किसानों को ब्याज के साथ भुगतान करेगी, प्रदेश में किसानों के लिए 5 करोड़ की लागत से किसान सिंचाई योजना शुरू की जाएगी, 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे, किसानों की आय बढ़ने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी। घोषणा पत्र के अनुसार 4,000 नए फसल विशिष्ट FPO स्थित करेंगे, प्रत्येक FPO को 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किया जाएगा, प्रदेश में निषाद राज वोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत मछुआरों को 1 लाख रुपए तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी, मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक सब्सिडी प्रदान किया जाएगा, 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित की जाएगी। तो ये थी वो बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौतियां जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को हर 5 साल में ये परिणाम देना पड़ता है कि आखिर कुछ ना कुछ, चाहे कोई भी पार्टी रही हो सत्ता में, उनको ये परिणाम देना पड़ता है कि हाँ कुछ अभी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अधूरी रह गई हैं जिससे जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने कि 10 साल एक ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा, इस उत्तर प्रदेश के पूरे सूबे को संभालेगा और योगी आदित्यनाथ पर फिर से भरोसा जताया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता आस लगाकर बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी उन
सभी आसों को, उन सभी बातों को, उन सभी बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से की है वो पूरी करे, और किस हद तक भारतीय जनता पार्टी जनता की बातें पूरी करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता को संतुष्ट करेगी, क्या संतुष्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, 2024 में क्या समीकरण होगा, क्योंकि 2022 से ही 2024 का समीकरण देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें होती हैं, तस्वीरें बेहद रोमांचक होती हैं, तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं हर नागरिक, हर भारतीय नागरिक के लिए, क्योंकि 2024 का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। ऐसे में किस तरह का चुनाव होगा, क्या तस्वीरें होंगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।